नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक एक बार फिर हाजिर हूँ आपके साथ। कक्षा 10 का अपना टॉपिक चल रहा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति, उसको लेकर। उससे पहले अपने बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा जो परीक्षाएं एक बार रोक दी गई थी लॉकडाउन के कारण, उनको पुनः स्टार्ट शुरू किया जा रहा है 18 जून से। 18 जून से प्लस टू की परीक्षाएं स्टार्ट हो जाएंगी। उनके लिए आपको प्रवेश पत्र जो है वो नए सिरे से आए हैं, क्योंकि लॉकडाउन के बाद गवर्नमेंट के द्वारा कुछ गाइडलाइंस जारी की गई थी, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग पर ध्यान दिया गया ज़्यादा। उसको देखते हुए जो आपके पहले वाले सेंटर थे, उनसे कुछ बच्चों को नज़दीकी किसी दूसरे नए सेंटर पर भेजा गया है। तो आप अपने विद्यालय प्रशासन से संपर्क करें कि आपका नया सेंटर कहाँ अलॉटमेंट हुआ है, आपको प्रवेश पत्र लेना है, अन्य जो गाइडलाइन जारी की गई है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा, उसकी पूर्णतः जानकारी प्राप्त करें। तो अब अपने देखते हैं अपना आज का टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो अपने पहले से शुरू किया हुआ है उसी को आगे बढ़ाते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अपने जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था सेक्शन फॉर्मूला विभाजन सूत्र। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो अपना टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था सेक्शन फॉर्मूला विभाजन सूत्र, जिसकी अपनी कुछ प्रॉब्लम्स को अपने सॉल्व किया था। अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन, इसके अंदर दो टॉपिक आते हैं। अब अपने उसी से रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका आ रहा है वो ये कह रहा है कि बिंदुओं 22.20 और 0.16 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो दो पॉइंट दिए गए हैं, P और Q। P के हैं 22.20 कोऑर्डिनेट और Q के कोऑर्डिनेट हैं 0.16। ये कह रहा है कि इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाले रेखाखंड के आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। मध्य बिंदु है, मान लीजिए ये आपका पॉइंट है P और ये आपका पॉइंट है Q, ठीक है। P और Q, ये आपका पॉइंट आ गया R। R यहां पर क्या है, मध्य बिंदु है। तो इसका मतलब 1:1 में ही डिवाइड कर रहा है इसको। M1 M2 की वैल्यू आपको गिवन नहीं है। तो इसको सोल्व करने के लिए अपने एक सिंपल सा मेथड यूज करेंगे। तो माना R के निर्देशांक x, y, ठीक है। तो x इक्वल क्या हो जाएगा, x1 + x2/2 एंड y = y1 + y2/2, ठीक है। x1 की वैल्यू 22 प्लस x2 की 0, तो ये रहेगा 22/2 यानी 11। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 11। तो y की वैल्यू, y1 है आपका 20 प्लस 16/2, तो ये जाएगा 36/2, 18। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 18, ठीक है। तो ये आप मध्य बिंदु दिया हुआ है, इसलिए मैं इसको इस तरीके से किया है। नहीं तो अपने वही m1 m2 की वैल्यू 1:1 लेके कर सकते हैं, अगर यहाँ कुछ और दिया हो तो उससे भी कर सकते हैं, लेकिन मध्य बिंदु को फाइंड करने के लिए आपको सिंपल से इस मेथड से आपको इसको करना है। इससे रिलेटेड ये कहता है कि बिंदुओं 5.3 और -3.-2 को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होगा। दो पॉइंट है पी और क्यू। पी के कोऑर्डिनेट है आपके 5.3 एंड क्यू के कोऑर्डिनेट है -3.-2। ये कहता है कि इन बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होगा। ठीक है, तो सिंपल सी एक बात याद रखना, एक्स अक्ष पर वाई का, अपने वाई का जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, 0 होता है। एक्स अक्ष पर वाई की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। अगर एक्स की जगह यहां वाई आ जाता कि इन बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वाई अक्ष द्वारा किस अनुपात में, यानी वाई अक्ष इनको किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो वहां पर एक्स की वैल्यू क्या आ जाती, 0 आ जाती। तो अपने यहां लिखेंगे माना बिंदु आर के निर्देशांक। अब बिंदु R कहां होगा, ये आपका x अक्ष है, ठीक है, ये आपका क्या है, y अक्ष है। तो इस पर मान लीजिए ये कोई PQ पॉइंट है, ठीक है, ये P पॉइंट ले लो, ये Q पॉइंट ले लो। तो ये जो पॉइंट आ रहा है आपका, इसको मैंने क्या ले लिया, R। तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, x, 0, ठीक है। क्यों होंगे, क्योंकि x अक्ष पर y हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो R के निर्देशांक क्या होंगे, x, 0, ठीक है। तो y की वैल्यू आपके पास है, तो अपने बात करेंगे
x बराबर क्या आता है m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2, और इसी तरह से y बराबर क्या आता है m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2। अब x की वैल्यू तो आपको गिवन नहीं है, इसको नहीं देखना, y की वैल्यू गिवन है 0, इससे सॉल्व करते हैं अपने इसको। तो y बराबर क्या है 0, m1 की वैल्यू आपको पता नहीं, y2 की वैल्यू माइनस 2 प्लस m2 आपको पता नहीं, y1 की वैल्यू 3 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। इस पूरे ब्रैकेट का मल्टीप्लाई यहां होगा तो ये इसमें आगे क्या हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 0 इक्वल माइनस 2 m1 प्लस 3 m2, ठीक है। माइनस वाले डिजिट इधर ले आते हैं तो 2 m1 इक्वल 3 m2, ठीक है। अब आपने यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 2 इधर आ जाएगा 3 इधर आ जाएगा, सॉरी m2 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा m1 अपॉन m2 इक्वल 3 अपॉन 2, ठीक है। तो जो m1 m2 का रेशियो आएगा वो क्या आ जाएगा आपका m1 रेशियो m2 क्या आ जाएगा 3:2, ठीक है। ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन था जिसमें आपको दिया गया था कि दो पॉइंट हैं P और Q, उनको मिलाने पर एक रेखाखंड बनता है जो वो x अक्ष द्वारा प्रतिच्छेद करता है x अक्ष को, तो आपको वो बताना है कि वो किस अनुपात में विभाजित करता है x अक्ष को, ठीक है। तो x अक्ष पर हमेशा ही क्या होगा y का निर्देशांक 0 होगा। इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें इसका उल्टा है, उसमें y अक्ष द्वारा इन बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित किया जाता है, तो वहां पर क्या होगा इसका अपोजिट डायग्राम बनता है। उसमें अपने क्या करते हैं, मान लो ये आपका y अक्ष होता है, ये आपकी PQ रेखाखंड है, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट क्या आएगा r, क्या आएगा r, तो r के निर्देशांक क्या होंगे 0, y, क्या होंगे 0, y, ठीक है। r के निर्देशांक क्या होंगे 0, y, y अक्ष पर x की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी 0 रहेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने स्वयं करना है जिसमें आपको x फाइंड x 0 रखकर m1 m2 की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदुओं 15.5 और 9.20 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु 11.15 किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो आपको अब क्या है दो बिंदु दे रखे हैं P और Q, P के कोऑर्डिनेट है 15.5 और Q के कोऑर्डिनेट है 9.20, ठीक है। एक तीसरा बिंदु R 11.15, ये कहता है कि इसको R इनको क्या करता है विभाजित करता है PQ रेखाखंड को, तो आपको ज्ञात क्या करना है M1 रेशो M2 को आपने ज्ञात करना है, ठीक है। इस चीज को नोट करें, M1 रेशो M2 आपने ज्ञात करना है। तो मैं मान लेता हूं, माना कि R रेखाखंड PQ को K अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। तो ये मैंने मान लिया K अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। तो x बराबर क्या होता है आपका m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m, ये होता है। अब x की वैल्यू आपको गिवन है, x की वैल्यू क्या है आपकी 11, m1 k into x2 9 1 into 15 upon k plus 1, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इधर करो तो ये हो जाएगा 11 into k plus 1 बराबर 9k plus 15, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11k plus 11 equal 9k plus 15, 9k का ट्रांसफर हो जाएगा इधर, 11 का हो जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा 11k minus 9k equal 15 minus 11, तो ये हो जाएगा आपका 2k equal 4, तो 2 से ये 4 कैंसिल, तो k equal क्या आ गया 2, ठीक है। तो k अनुपात 1 जो है उसकी वैल्यू क्या आ गई, m1 क्या आ गया आपकी 2:1 आ गई, m1 इक्वल 2 एंड m2 इक्वल क्या आ गया 1, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन जिसके अंदर आपको वो थर्ड पॉइंट जो विभाजित कर रहा है उस रेखाखंड को उसके निर्देशांक दिए गए थे और आपको क्या फाइंड करना था m1 m2 को फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है इसी तरह से है लेकिन थोड़ा सा उसके, ये कहते हैं कि बिंदु P 3.5 बिंदु A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को 4:7 के अनुपात में विभाजित करता है, 4:7 के अनुपात में विभाजित करता है, तो B के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब जब तक आपको ये नहीं दिया जाता कि अंतर विभाजन है बाह्य विभाजन है तो आपको सिर्फ अंतर विभाजन लेके चलना है। ये कहता है कि दो बिंदु है A और B,
ए के निर्देशांक है आपके -2.3, ठीक है। बी के निर्देशांक आपको दिए नहीं गए y2 x2, ठीक है। और बिंदु पी जो तीसरा बिंदु होता है जो विभाजित करता है उसका निर्देशांक है 3.5 और m1:m2 की वैल्यू है 4:7, ठीक है, 4:7 ये दिया गया है। तो आपको x2 y2 ज्ञात करना है। तो ये आपके पॉइंट है ए और बी, ठीक है। ये पॉइंट आपका आ गया पी जिसके निर्देशांक 3.5 है, -2.3 है और x2 ये y2 है, ठीक है। ये 4:7 है, ये आपका 4:7 है। तो अब आपने x2 y2 फाइंड करना है। तो सबसे पहले अपने जब अंतर विभाजन के लिए x लिखेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो x की वैल्यू p से लेंगे 3 इक्वल m1 की वैल्यू 4, x2 पता नहीं, m2 की वैल्यू 7, x1 माइनस का 2, 4+7 इसका मल्टीप्लाई इधर होगा तो 3 × 11 4x2 − 14, ठीक है। तो माइनस का 14 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 4x2, तो 4x2 इक्वल हो जाएगा 47, देन x2 इक्वल हो जाएगा 47/4, ये आपकी एक वैल्यू आ गई x2 की। अब अपने y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो y के लिए फॉर्मूला होगा आपका m1 y2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2। m1 की वैल्यू 4, y2 आपको पता नहीं, 7 × 3 अपॉन 4+7, y की वैल्यू है आपकी 5। तो ये पूरी ब्रैकेट इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5 × 11 इक्वल 4y2 + 21, 21 इधर आके हो जाएगा -55 − 21 इक्वल 4y2, तो ये हो जाएगा 34 इक्वल 4y2, ठीक है। तो y2 इक्वल हो जाएगा 34/4, 2 से कैंसिल करेंगे इसको तो y2 इक्वल आ गया 17/2, ठीक है। तो अब आपके पास पॉइंट B के निर्देशांक आ चुके हैं, बिंदु B के निर्देशांक, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B ये क्या हो जाएंगे आपके 47/4 एंड 17/2, ठीक है। तो ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन था आपका जिसके अंदर आपको m1 m2 की वैल्यू गिवन थी और दो रेखाखंड के दोनों पॉइंटों में से एक पॉइंट की वैल्यू गिवन थी और जो उनका विभाजन करने वाला बिंदु है उसके कोऑर्डिनेट या निर्देशांक गिवन थे। तो आपने दूसरे पॉइंट b के निर्देशांक ज्ञात किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये कहता है कि बिंदुओं 11.9 और 1.2 को मिलाने वाली रेखा को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समत्रिविभाजन मैंने आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन पहली वीडियो में करवाया है, ये सिर्फ मैं आपको समझा देता हूं, आपने स्वयं करना है। ये कोई दो पॉइंट है P और Q, उनको मिलाने वाला रेखाखंड होगा PQ। अब वो कहता है कि इसको समत्रिविभाजित कर रहा है कोई बिंदु, तो समत्रिविभाजन का मतलब 3 बराबर पार्ट, ठीक है। तो ये पॉइंट R फर्स्ट केस के अंदर अगर यहां पर है, ठीक है, तो केस फर्स्ट बनाएंगे अपने, R कहां पर है, यहां पर। तो m1 ratio m2 क्या होगा, यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक 1:2, क्या होगा 1:2 हो जाएगा, ठीक है। और केस सेकंड के अंदर P पॉइंट यहां पर है, Q पॉइंट यहां पर है। अब पॉइंट R यहां पर ना होकर के कहां लिया आपने, यहां लिया, तो यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक, ये 2 और ये 1, तो केस सेकंड के अंदर क्या होगा m1 ratio m2 क्या होगा 2:1, ठीक है। तो इसको आपने सोल्व करना है m1 और m2 को लेकर के, ठीक है, दो बार सोल्व किया जाएगा यानी दो क्वेश्चन बन जाएंगे। पहले में m1 m2 की वैल्यू 1 और 2 लेंगे, दूसरे में m1 m2 की वैल्यू 2 और 1 लेंगे, ठीक है। स्वयं करेंगे आप क्वेश्चन, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन एक मैंने आपको लास्ट वीडियो में करवाया हुआ है, उसे आप देख लें। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिंदुओं -4.0 और 0.6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। वैसा ही क्वेश्चन है लेकिन यहाँ 4 बराबर भाग आ गए, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक पॉइंट, दो पॉइंट ले लिए P और Q। P के निर्देशांक क्या है आपके -4.0 और Q के निर्देशांक क्या है 0.6, क्या है 0.6, ठीक है। अब वो कहता है कि इसको बराबर 4 भागों में बांटना है, तो मैंने बराबर 4 भागों में बांट दिया, 1, 2, 3, ठीक है। अब वो कहता है कि आपको इसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं अगर ये 4 बराबर भागों में बांटा हो। तो मैं इस पॉइंट को लेता हूं A, इसको लेता हूं बी और इसको लेता हूं सी, ठीक है। मैंने इसके निर्देशांक लिख लिए एक्स ए वाई ए, ठीक है।
इसके लिख देते हैं एक्स बी कोमा वाई बी, इसका लिख देते हैं एक्स सी कोमा वाई सी, ठीक है। ये आपके निर्देशांक आ गए। अब आपको इसके अंदर सिंपल जैसे अपने पहले क्वेश्चन मैंने आपको भी बताया है उसके हिसाब से करें तो बी और सी को पहले भूल जाओ, ठीक है। बी और सी को पहले भूल जाएंगे तो केस फर्स्ट बनेगा, ठीक है, पॉइंट ए के लिए, बिंदु ए के लिए। तो उसमें एम वन एम टू की वैल्यू क्या आएगी, 1:2, यहां से लेकर यहां तक और फिर यहां से लेके यहां तक, ठीक है। उसके बाद के सेकंड अगर पॉइंट बी है, ठीक है, तो एम वन एम टू की वैल्यू क्या आएगी, 2:2, दो बराबर भाग, 1:2:1:2। इसको वही फर्स्ट क्वेश्चन जो अपने इस वीडियो में किया है x1 + x2 / 2 से भी कर सकते हैं। केस थर्ड पॉइंट सी, तो इसके लिए एम वन एम टू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3:1, 1:2:3 यहां तक चलना है, फिर ये 1, ठीक है। तो ये तीन केस बन सकते हैं अगर अपने इसके अंदर विभाजन सूत्र लगाकर अपने इसको सॉल्व करें, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करें। लेकिन ये बहुत ही लंबा एक मेथड होगा जिसके अंदर आपको तीन क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। मैं इसको ऐसे सॉल्व ना करके दूसरे तरीके से सॉल्व कर रहा हूं जो एक सिंपल मेथड है और छोटा पड़ेगा और आसान रहेगा, समझने में भी आसान और करने में भी आसान, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लेता हूं इस पूरी लाइन को, रेखाखंड पी क्यू को लेते हैं, ठीक है। रेखाखंड पी क्यू के लिए बिंदु बी मध्य बिंदु होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि इसको समान चार भागों में बांटा गया है, तो 1:2:1:2, ठीक है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक, ठीक है। तो मध्य बिंदु बी है, बी के निर्देशांक एक्स बी इक्वल x1 + x2 / 2, x1 है -4, 0 / 2, -2। इसी तरह से वाई बी y1 + y2 / 2, y1 है आपका 0 + 6/2, 3, ठीक है। तो b के निर्देशांक क्या आ गए, -2, 3, ठीक है। b के निर्देशांक आ चुके हैं आपके पास, क्या आ चुके हैं, -2, 3। अब ये समझ लो कि ये केस और बनाते हैं अपने, सिर्फ रेखाखंड p से b तक लेना है, p से b तक लेना है, यहां से लेके यहां तक। तो ये पोर्शन और ये पोर्शन दोनों बराबर है, इसका मतलब बिंदु ए जो आ गया वो इसका क्या आ गया, पी बी रेखाखंड का मध्य बिंदु आ गया, ठीक है। तो अब अपने बात करते हैं रेखाखंड पी बी के लिए बिंदु ए मध्य बिंदु है, तो ए के निर्देशांक क्या होंगे, एक्स ए x1 + x2 / 2, x1 -4, x2, अब x2 यहां b के निर्देशक होंगे, -2 / 2, -2 हो जाएंगे, -6 / 2, -3, ठीक है। इसी तरह से y1 + y2 / 2, y1 की वैल्यू है 0 + y2 यानी yb 3/2, तो ये आ गया आपका 3/2। तो a के निर्देशांक क्या आ गए, -3, 3/2, ठीक है। ये आपका केस सेकंड हो गया सॉल्व। इसके बाद अब अपने चलते हैं पॉइंट c रह गया, तो इसके निर्देशांक क्या आ गया आपके, 3/3, -3, 3/2, ठीक है। अब अपने चलते हैं पॉइंट c पे। पॉइंट c के लिए देखिए b से q तक की दूरी तय करो, तो ये वाला और ये वाला बराबर पोर्शन आ गया 1:1, तो C पॉइंट जो है BQ रेखाखंड का मध्य बिंदु होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए अपने लिखते हैं रेखाखंड BQ का BQ के लिए बिंदु C मध्य बिंदु होगा, तो C के निर्देशांक तो क्या होगा, XC इक्वल, अब देखिए x1 जो होगा वो xb होगा, x2 ये वाला होगा, तो ये हो जाएगा x1 + x2 / 2, x1 यानी xb -2 + 0/2, -1, ठीक है। yc इक्वल y1 + y2 / 2, y1 यानी yb 3 + 6/2 = 9/2, तो c के निर्देशांक क्या होंगे,
-1, 9/4, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन जिसके अंदर दिया गया था कि कोई रेखाखंड है PQ, उसको समान चार भागों में विभाजित किया गया है, तो उन चारों भागों को विभाजित करने वाले बिंदुओं A, B, C के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इसको अपने विभाजन सूत्र से भी सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरा आपने मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला जो लगाया है उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका एक अलग टाइप का क्वेश्चन जिसको मैंने आपको करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए कि रेखा 3x + y = 9 बिंदुओं 1, -3 तथा 2, 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगी। एक रेखा है 3x + y = 9, ये दो बिंदु दिए हुए हैं 1, 3, यानी पॉइंट P दिया हुआ है 1, 3 और Q दिया गया है आपका 2, 7। इनको मिलाने PQ को मिलाने वाले रेखाखंड को लाइन ये जो ऊपर दी गई है 3x + y तो रेखा है वो क्या करती है, विभाजित करती है। तो आपको बताना है कि ये रेखा इन बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है। तो अपने लिखते हैं, माना रेखा 3x + y = 9 रेखाखंड PQ को k/1 के अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है, k/1 के अनुपात में विभाजित करती है। अब आपको क्या करना है, वही आपको यहां कुछ दिया नहीं गया है कि अंतः विभाजन है या बाह्य विभाजन है, तो आपको अंतः विभाजन लेके चलना है। तो अपने मान लेते हैं, माना प्रतिच्छेद बिंदु R के निर्देशांक x, y है, ठीक है। तो अंतर विभाजन के लिए x बराबर क्या होगा, m1 x2 + m2 x1 / m1 + m2, ये होगा। तो m1 m2 की वैल्यू आपको गिवन नहीं है, आपने मानी हुई है k इंटू x2 की वैल्यू है 2 + 1 × x1 1/k + 1, ये x की वैल्यू आ गई, तो x इक्वल हो जाएगा 2k + 1/k + 1, ठीक है, ये एक वैल्यू आ गई। इसके बाद y बराबर m1 y2 + m2 y1/m1 + m2, तो ये हो जाएगा m1 k × 7 + m2 1 × 3/k + 1, ये y रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा y = 7k + 3/k + 1, ठीक है। अब आपके पास उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट यानी प्रतिच्छेद बिंदु के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं x और y, ये दोनों, ठीक है। अब यदि ये लाइन इन रेखाखंड को प्रतिच्छेद करती है तो ये पॉइंट उस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे, संतुष्ट करेंगे। तो अपने क्या करते हैं, इन दोनों की वैल्यू x और y की वैल्यू उस लाइन में पुट कर देते हैं। तो यहां लिखेंगे बिंदु R रेखा 3x + y = 9 को संतुष्ट करेगा, क्योंकि वो क्या करेगा, विभाजित करता है, तो उस पर वो स्थित होगा, इसका मतलब उसको क्या करेगा, वो संतुष्ट करेगा। यानी जब अपने कोई भी लाइन को कोई पॉइंट, यानी लाइन उस पॉइंट से पास होती है, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर अपने उस लाइन के अंदर पुट कर दें तो उसकी वैल्यू जीरो आने की संभावना रहती है, यानी उसकी जीरो आ जाती है, उसको अपने सेटिस्फाई करेगा। तो अब अपने इसको, अपने को दिया हुआ कि वो लाइन वहां से पास होती है, तो ये पॉइंट आर उसके विभाजन प्रतिच्छेद बिंदु के पॉइंट है, इसका मतलब उस लाइन पर वो स्थित होंगे। तो यहां वैल्यू पुट करते हैं 3 × x 2k + 1/k + 1, ठीक है, प्लस y है आपका 7k + 3/k + 1, इक्वल में क्या है 9। अब यहां देखिए कि अपॉन में k + 1 है, k + 1 का मतलब ये अपने इसका एलसीएम लेंगे, तो इस पूरी इक्वेशन का एलसीएम क्या आ जाएगा, k + 1 आ जाएगा, ठीक है, k + 1 इक्वल में इसके क्या है 9। इस k + 1 का मल्टीप्लाई यहां कर दो, 3 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे 6k + 3 + 7k + 3 = 9 × k + 1, 6k + 7k = 13k, 3 + 3 = 6 = 9k + 9, k वाली वैल्यू एक साइड, विदाउट k वाली दूसरी साइड, तो 9k इधर आ जाएगा, 6 इधर चला जाएगा, 13k - 9k = 9 - 6, तो ये आ जाएगा 4k = 3, देन k इक्वल हो जाएगा 3/4। तो m1 रेशियो m2 की वैल्यू क्या आ गई, 3:4, ये है आपका आंसर, ठीक है।
इसमें आपको क्या दिया हुआ था, एक लाइन दी हुई थी और दो पॉइंट दिए हुए थे, उन दोनों पॉइंटों को मिलाने वाले रेखाखंड को वो लाइन क्या कर रही थी, प्रतिच्छेद कर रही थी, विभाजित कर रही थी। तो आपको ये बताना था कि वो पॉइंट जो थे वो सॉरी वो जो लाइन है इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगी। तो उसके लिए मैंने आपको क्या किया कि मैंने वो पॉइंट मान लिया कि वो पॉइंट आर है, उसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई है, ठीक है, और आर पॉइंट उस रेखाखंड को के रेशो वन में विभाजित कर रहा है, तो मैंने उसके लिए विभाजन सूत्र लगाया जिससे मेरे को कोऑर्डिनेट प्राप्त हो गए एक्स और वाई। लेकिन ये के की फॉर्म में है, इनके अंदर के आ रहा है मैथमेटिकल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जबकि बिंदु -3, B बिंदुओं -5, -4 और -2, -3 को अंतर विभाजित करता है, P का मान भी ज्ञात कीजिए। अब आपको एक नए तरीके का क्वेश्चन दिया गया है, ये कहता है कि दो पॉइंट हैं P और Q, P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है, इनको कोई तीसरा पॉइंट R अंतर विभाजित कर रहा है जिसके कोऑर्डिनेट दिए हैं -3, P, ठीक है, और P के कोऑर्डिनेट दिए हैं -5, -4 एंड Q के कोऑर्डिनेट है -2, -3। ये कहता है कि आपको सबसे पहले तो इनका जो अंतर विभाजन हो रहा है उसके रेशियो फाइंड करने हैं, यानी M1 और M2 फाइंड करना है, ठीक है। दूसरे नंबर पर आपको इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। देखो अंतर विभाजन हो रहा है तो अंतर विभाजन के लिए विभाजन सूत्र अपने अप्लाई करेंगे। सबसे पहले माना बिंदु R रेखाखंड PQ को K अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है, K अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है, ये मैंने मान लिया। अब अपने को देखो जब अंतर विभाजन है और आपको पता है कि x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं, यहां पर x की वैल्यू गिवन है लेकिन यहां y की वैल्यू नहीं गिवन, तो x की वैल्यू जो गिवन है उसकी सहायता से अपने इस k की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अंतर विभाजन हो रहा है आपके पास यहां, तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे अपने, x इक्वल m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू -3 है, ठीक है, m1 की वैल्यू k, x2 की वैल्यू q का कोऑर्डिनेट है -2 प्लस m2 1 और x1 है -5 अपॉन k प्लस 1। इस पूरी ब्रैकेट का मल्टीप्लाई यहां हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3 इंटू k प्लस 1 इक्वल -2k -5, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे -3k -3 इक्वल -2k -5, k वाली टर्म इधर आ जाएंगी, विदाउट k वाली इस तरफ चली जाएंगी, ठीक है। तो इसमें देखिए -3k+2k, ये 2k माइनस का था इधर आके प्लस का हो गया, -5 ये माइनस का, 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, तो ये हो जाएगा -k = -2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो k इक्वल आ गया 2, ठीक है। तो आपका जो रेशियो है m1 m2 का वो आ गया 2:1। अब अपने को फाइंड करना है दूसरा क्वेश्चन, इसमें स्टार्ट होता है p की वैल्यू फाइंड करनी है, तो p की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको y चाहिए, m2 y2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू है 2, y2 की वैल्यू है 3 प्लस m2 है आपका 1 और y1 की वैल्यू है -4, 2 प्लस 1 और इधर है आपका p, ठीक है, तो 6 ± -3, तो ये आ गया आपका 2/3, ये आपकी p की वैल्यू है, ठीक है। तो ये था आपका एक अलग टाइप का क्वेश्चन जिसमें आपको रेशियो भी फाइंड करना है m1 m2 और इसका कोऑर्डिनेट भी फाइंड करना है, एक कोऑर्डिनेट दिया है दूसरा फाइंड करना है।
तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। एक्सरसाइज 9.2 चल रही थी अपनी, जो आज कंप्लीट हो चुकी है, और इसको आपने अच्छे से करना है। किसी भी प्रकार की अगर कोई आपको समस्या आती है, कोई भी आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज करें, कमेंट करें अगर आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करवाना है। तो आज के लिए इतना ही।